हमीरपुर जिला कोरोना फ्री जिला बन गया है और प्रदेश का लाहौल स्पीति के बाद हमीरपुर जिला दूसरा कोरोना फ्री जिला बना है। कोरोना फ्री जिला बनने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांस्टा ने जिलावासियों को बधाई दी। जितेंद्र सांस्टा ने कहा कि कोरोना फ्री बनाने में स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला के लोगों के सहयोग से भी यह सब मुमकिन हो पाया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांस्टा ने कहा कि कोरोना फ्री होने के बावजूद लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, इसलिए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहना चाहिए ताकि दोबारा से कोरोना सैन ना लगा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन का लोगों को पालन करना बहुत जरूरी है, साथ ही चेहरे पर मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के साथ हैंड सैनिटाइजेशन करना भी जरूरी होगा। सबसे पहले तो मैं सभी हमीरपुर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमीरपुर ज़िला आज के समय में लाहौल स्पीति के बाद हिमाचल में ऐसा दूसरा ज़िला बना है जो कि कोविड फ्री हो गया है। मतलब हमारे एक्टिव केसेस आज के समय में ज़ीरो हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे स्वास्थ्य विभाग को, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस रिगार्ड में। साथ ही साथ जो हमीरपुर के सभी लोग हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता। जो हमने डायरेक्शंस दी हैं, जो हमने एहतियात लोगों को बरतने को कहा था, सभी लोगों ने उसको फॉलो किया और उसी वजह से ये हो पाया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें अभी, क्योंकि हम एक्टिव केसेस में ज़ीरो हो गए, तो हमें रिलैक्स नहीं होना पड़ेगा। अभी भी कोविड चल रहा है, बाकी जगह इसके केसेस आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर भी आने वाले समय में कुछ केसेस आएँ, लेकिन हम जो अभी तक हम सावधानियाँ बरत रहे हैं, आगे फ्यूचर में भी हमें उन सावधानियों को रखना पड़ेगा। क्योंकि हमीरपुर का हम प्रोफाइल देखो तो काफ़ी केसेस हमारे यहाँ आए थे, लगभग 3043 जो है कोविड के केसेस हमीरपुर में डिटेक्ट किए गए थे, जिनमें से 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 2993 केसेस जो हैं वो ठीक होकर लोग कोविड से फ्री हो गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इतने केसेस आए हैं पहले, तो हमें रिलैक्स नहीं होना पड़ेगा। और जो जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, अभी भी मास्क पहनना ज़रूरी है। हालांकि कई जगह सोशल गैदरिंग लोगों की हो जाती है ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट हमें मास्क या हैंड हाइजीन की जो बात है कि बार बार हम हाथ धोएं, इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। आने वाले समय में होपफुली बहुत अधिक इसका प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी अब वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई, जैसे कि सभी लोग जानते हैं। अभी हमारा दूसरा फेज़ चल रहा है। पहले फेज़ में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, इनको वैक्सीनेट किया गया था, तो लगभग 75% के करीब उसमें वैक्सीनेशन लोगों की हो पाई जो लोग आगे आ गए। और अब जो सेकंड फेज़ का वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स का, जिसमें से कि रेवेन्यू विभाग, पुलिस, होम गार्ड या हमारे जो पंचायती राज से रिलेटेड जो लोग हैं, हमारे पंचायत सेक्रेटरीज वगैरह हैं, उनका वैक्सीनेशन चल रहा है। तो हम होपफुल हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके से वैक्सीनेट हो जाएंगे और जो ज़्यादा लोग सावधानियाँ हम अगर इसमें रखेंगे, तो हमीरपुर का जो ये स्टेटस है ज़ीरो वाला, ये हम आगे वाले समय में भी देखने को पाएंगे। धन्यवाद। जितेंद्र सांस्टा ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन पूरी सतर्कता से काम कर रहा है और वैक्सीनेशन के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे ताकि कोरोना फ्री हमीरपुर जिला बना रहे। गाइडलाइंस अभी जो सरकार द्वारा हैं वो अभी वही गाइडलाइंस चलती रहेंगी। हम इनफैक्ट जो हमारी टेस्टिंग का है वो प्रोसेस वो हम चालू रखेंगे। अभी भी हम रोज़ लगभग 400-500 के करीब हम टेस्टिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में भी हम रैंडम जो टेस्टिंग है या फिर स्कूल के टीचर्स की जो रैंडम टेस्टिंग है, वर्क जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर हमारी टेस्टिंग अभी जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो केसेस हो गए तो हम अपना टेस्टिंग का प्रोसेस बंद कर देंगे। हम अपना टेस्ट जारी रखेंगे ताकि अगर कोई रैंडम केसेस है, क्योंकि लोगों में मूवमेंट बहुत होती है, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, हो सकता है कोई बाहर से इन्फेक्शन लेकर आए। आज की डेट में हमीरपुर ज़िला में कोई कोविड का इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई बाहर से आ रहा है या बाहर घूम फिर के आ रहा है तो इन्फेक्शन वो ला सकते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा चेक रखेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हमारे इसमें लगे हुए हैं और हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि कोई फर्दर कोई मेजर आउटब्रेक ना हो। एक दो केसेस आएंगे तो हम उनको टैकल करने के लिए हम सक्षम हैं, लेकिन बस ये उम्मीद है कि कोई मेजर आउटब्रेक ना हो। थैंक यू। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में 3043 कोरोना के मामले पाए गए थे, जिसमें 2993 कोरोना पॉजिटिव के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 50 लोग मौत का ग्रास भी बन चुके हैं। अब हमीरपुर जिला में कोई भी होम आइसोलेशन नहीं है और ना ही कोरोना पॉजिटिव मरीज है, जिससे हमीरपुर जिला पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गया है।